हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन मुगलाई करी। तो चिकन मुगलाई करी बनाने के लिए ये मैंने करीब 1 किलो चिकन ले लिया है, इसको अच्छे से वॉश कर लिया है। तो सबसे पहले हम चिकन का मैरिनेशन कर लेते हैं। तो इस चिकन में मैंने डाला है ये लहसुन अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट करीब बड़े 2 चम्मच। 1 चम्मच ये डाला है मैंने ड्राई मैंगो पाउडर, अगर आपके पास ये नहीं है तो आप नींबू का रस भी डाल सकते हैं। स्वाद अनुसार नमक, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, पिसी हुई लाल मिर्च, 1 चम्मच धनिया पाउडर और आधा चम्मच गरम मसाला। हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो दोस्तों इसको मैंने मिक्स कर लिया है, अब मैं इसको 15 मिनट के लिए फ्रीजर में सेट होने के लिए रख दूंगी। तो दोस्तों मुगलाई चिकन बनाने के लिए हमें ब्राउन ऑनियन के पेस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। उसके लिए मैंने क्या करा है, ये कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख दिया है, इसमें ऑयल डाल दिया है और ये प्याज है इसको मैंने लंबे लंबे हिस्सों में काट लिया है और प्याज की रूट्स निकालने हैं, इस बात का आप ध्यान रखें। उसके बाद ऑयल गर्म हो चुका है, हम इसको डाल देते हैं और प्याज को अच्छे से ब्राउन करेंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं प्याज का कलर ब्राउन हो चुका है, अब हम इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। तो दोस्तों मुगलाई चिकन बनाने के लिए हम थोड़े से मसालों को रोस्ट कर लेते हैं। तो ये ली है मैंने 2 बड़ी इलायची, हरी इलायची, साबुत धनिया और 2 लाल मिर्च सूखी हुई, इसको मैंने पैन में डाल दिया है। और ये लिए हैं मैंने बादाम और चिरौंजी, इसको भी रोस्ट कर लेंगे। बादाम और चिरौंजी का ज़रूर यूज़ करें आप मुगलाई बनाने में। तो मैं इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम में रोस्ट कर लेती हूँ। दोस्तों ये रोस्ट हो चुके हैं, अब मैं इसको प्लेट में निकाल लेती हूँ। तो दोस्तों अब क्या करना है, ये मसालों को जो मैंने रोस्ट किया था इसको हम मिक्सी में डाल देते हैं और इसमें हम डालेंगे कश्मीरी मिर्च कलर देने के लिए, थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसका पेस्ट बना लेंगे। तो आप ये देख सकते हैं मैंने इसका एकदम फाइन पेस्ट बना लिया है, इसको हम निकाल लेते हैं किसी बाउल में। तो मैंने अब क्या करा है, मैंने एक बड़े से बाउल में 1 कटोरी दही लिया है और ये जो हमने पेस्ट बनाया था मसालों का उसको मैंने इसमें डाल दिया है। और इसमें हम डालेंगे करीब 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट और इन सारी चीज़ों को अच्छे से फेंट लेंगे। तो चलिए दोस्तों सारी तैयारी हो चुकी है, अब हम चलते हैं चिकन को बनाने। तो दोस्तों मैंने अभी गैस ऑन नहीं करी है तो गैस को ऑफ ही रखना है। और ये कढ़ाई ली है मैंने जिसमें मैंने प्याज को ब्राउन करा था, वही वाला तेल लिया है मैंने और उसमें मैंने 1 चम्मच देसी घी डाल दिया है। ये देसी घी जो है टेस्ट को एनहांस करेगा। और उसके बाद मैंने ये कुछ खड़े मसाले डाले हैं, इसमें लौंग है, काली मिर्च है, दालचीनी है, जावित्री है, इसको डाल दिया है साबुत। उसके बाद ये मैरिनेशन करा हुआ चिकन डाल देते हैं हम इसमें। और दोस्तों अब क्या करना है, ये हमने जो पेस्ट बनाया था दही का और मसालों का इसको डाल देते हैं इसके ऊपर। और बस अब हमें क्या करना है, गैस को ऑन कर देना है और इसको हाई फ्लेम में 2 मिनट के लिए पकाना है। इसमें अभी ढक्कन नहीं लगाना है, इसको खुले हुए में पकाना है अभी। दोस्तों अब हमें क्या करना है, ये जो हमने ब्राउन ऑनियन करी थी इसका हम पेस्ट बना लेते हैं मिक्सी में डाल के। इसको मिक्सी में अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे और एकदम फाइन पेस्ट बना लेंगे। दोस्तों ये मैंने ब्राउन ऑनियन का पेस्ट बना दिया है, इसको हम तब तक नहीं डालेंगे चिकन में जब तक दही अच्छे से पक ना जाए। तो अब 2 मिनट इसमें भी हो चुके हैं,
तो अब हम इसको ढक देते हैं और ढक के 5 मिनट के लिए पकाएंगे स्लो फ्लेम में। तो दोस्तों 5 मिनट हो चुके हैं और 2 मिनट हमने पहले पकाया था, तो लगभग 7 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं चिकन बिल्कुल अच्छे से, ये थोड़ा थोड़ा पका है अभी, पूरे अच्छे से नहीं पका है, और दही जो है वो बहुत अच्छे से पक चुका है। तो अब हम डाल देते हैं ये ब्राउन ओनियन का पेस्ट। इसे मिक्स कर लेंगे। दोस्तों मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है, अब मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर दे रही हूँ क्योंकि मुझे ग्रेवी बहुत ज़्यादा गाढ़ी दिख रही है, तो मैंने पानी ऐड कर दिया है। इसको मैं चला दूँगी और इसको बस स्लो फ्लेम में 2 से 3 मिनट के लिए और पकाएंगे। तो इसको मैं कवर कर देती हूँ, 2 से 3 मिनट के लिए और पकाएंगे। दोस्तों ये देखिए एकदम बनकर रेडी है मुगलाई चिकन करी, और आप इसका कलर देख सकते हैं, इतना प्यारा कलर आया है और बहुत ही अच्छी स्मेल आ रही है सारे मसालों की। तो सबसे लास्ट में हमें क्या करना है, ये मैंने रोस्ट करी हुई कसूरी मेथी ली है, मैंने इसको तवे में रोस्ट कर लिया था, अब मैं इसको हाथों में रख लेती हूँ और इसको हाथों की सहायता से स्क्रंच करते हुए इसको डाल देती हूँ इसके ऊपर, और गैस को हम कर देते हैं ऑफ। देखिए एकदम बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन चुका है, तो चलिए इसको सर्व कर लेते हैं। तो दोस्तों मैंने इसको सर्व कर लिया है, अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो कमेंट्स करके ज़रूर बताना, और मेरे वीडियो को और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।